हेलो गाइस, टुडे आई विल बी रिव्यूइंग मिनिमलिस्ट का विटामिन सी प्लस ई प्लस फैलोरिक एसिड सीरम जो 16% में आता है। इस सीरम में है फुलरनेस प्लस विटामिन ई प्लस फैलोरिक। सो टॉकिंग अबाउट फैलोरिक जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है। इसमें विटामिन ई भी है और ये जो है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 15% विटामिन सी है प्लस 1% विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड के कॉम्बिनेशन का है। सो टॉकिंग अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये लिटरली आपके एकदम ही वाटरी टाइप है। और इसके जो कंसिस्टेंसी ना, ये तुरंत ही आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एज यू कैन सी, ये एकदम ही ज़्यादा वाटरी टाइप है। तो आपको अपने जो स्किन में इसको लगाना है, हाथ में पाम में मत लीजिएगा बिकॉज ये तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसे ड्रॉपर से डायरेक्टली अपनी स्किन में अप्लाई करिए और इसके बाद एक मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइएगा। सो टॉकिंग अबाउट इट्स जो एफिकेसी एंड ये कैसे अपनी स्किन में काम करता है, तो मेरी स्किन में तो इसने काफ़ी ही बेस्ट रिजल्ट दिए। मेरी स्किन काफ़ी ही ब्राइटन, नरिश, प्लम्प हो जाती है। बट जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिन्होंने पहले कभी कोई विटामिन सी सीरम नहीं यूज़ किया है, तो वो इसे बिल्कुल भी ना यूज़ करें। आप पहले मेरे मिनिमलिस्ट का 10% ये विटामिन सी सीरम है ना, वो यूज़ कीजिएगा। फिर उसको आपके स्किन में, मतलब एटलीस्ट 6 to 1 ईयर तक उसे लगाए, उसे अपनी स्किन में हैबिट दीजिए, फिर उसके बाद ये 16% का सीरम यूज़ करें। अगर आप पहले से कोई और ब्रांड का भी यूज़ करते हैं 10% वाला, तो आप ये वाला यूज़ कर। बट मेक श्योर अगर आपने अपने लाइफ में पहले कभी कोई विटामिन सी सीरम नहीं यूज़ किया है, तो डायरेक्टली इसे यूज़ करोगे तो 101% आपके फेस में पिंपल्स, एक्ने, कोई भी रिएक्शन हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है 16% का है। इस पर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं। तो मेक श्योर आप पहले बैच टेस्ट भी कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, या तो आप पहले से विटामिन सी सीरम यूज़ करते आए तो भी एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा बिकॉज हर किसी को विटामिन सी सीरम नहीं सूट होता है। अगर आपको विटामिन सी सीरम नहीं सूट होता है तो आप नायसिनमाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट सीरम होता है। एटलीस्ट आपको 1 to 2 month देना होगा इस सीरम को, तभी जी आपको एक अच्छा डिजायर रिजल्ट मिलेगा। बट गाइस, आपकी स्किन में जो भी ज़्यादा भर भर के डार्क स्पॉट्स है, मेलास्मा हो गया है, वो विटामिन सी अकेला आपकी स्किन में नहीं काम करेगा। आपको इसे किसी भी और एक ब्राइटनिंग एजेंट के साथ कंबाइन करना होगा, जैसे अल्फा आर्बुटिन हो गया, एजिलिक एसिड हो गया, ट्रांजमिक एसिड हो गया, उसके साथ कंबाइन करके ही आपको रिजल्ट अपने मिल सकते हैं। मेक श्योर कि आपके स्किन में बहुत सारा डार्क स्पॉट्स हो गया है, अनइवन स्किन टोन है, तो अल्फ़ा आर्बुटिन के साथ विटामिन सी सीरम को यूज़ कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा झाइया हो गई है तो ट्रांजमिक एसिड के साथ विटामिन सी सीरम को यूज़ कीजिए। सो पहले तो आप हर एक चीज़ का पैच टेस्ट करेंगे अपनी स्किन में, फिर ही कोई भी चीज़ को अपनी स्किन में लगाएंगे। ऐसे ही कोई भी रैंडमली किसी चीज़ को नहीं यूज़ कीजिएगा, सिर्फ ड्राई स्किन में ही लगाइएगा, ना कि डैम स्किन में। एंड अप्लाई इट एवरी मॉर्निंग फॉलोड विद अ सनस्क्रीन और अ मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगा के फिर सनस्क्रीन लगाए, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो सिर्फ डायरेक्टली इसके बाद SPF लगा के अपना रूटीन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।